सब्सक्राइब करें News89 चैनल को और बेल आइकन दबाना ना भूलें सबसे तेज सबसे पहले खबरें देखने के लिए। धन्यवाद। जैसा कि आप लोगों को पता ही है कि राजपुरा के वार्ड नंबर 9 के पार्षद एडवोकेट राकेश मेहता द्वारा कुछ समय पहले पार्षद पद से इस्तीफा देने की वजह से उक्त वार्ड खाली हो गया था, जिसको देखते हुए चुनाव कमीशन द्वारा उक्त वार्ड में चुनावों का दोबारा ऐलान करते हुए चुनाव की तारीख 24 तय की गई थी, जिसके मद्देनजर आज वार्ड नंबर 9 से कांग्रेस पार्टी के उम्मीदवार श्री नरेंद्र शास्त्री जी द्वारा सुबह 10 बजे पहले पचरंगा चौक में बनाए गए अपने चुनावी दफ्तर में हवन यज्ञ किया गया, जिसमें विशेष तौर पर चुनावी दफ्तर का उद्घाटन करने पहुंचे हल्का राजपुरा के विधायक सरदार हरदयाल सिंह कंबोज ने पहले शास्त्री परिवार के साथ बैठकर हवन यज्ञ में हिस्सा लिया और फिर रिबन काटकर चुनावी दफ्तर का उद्घाटन किया। इस मौके पर सैकड़ों की संख्या में वार्ड नंबर 9 के निवासी इस उद्घाटन समारोह में पहुंचे और News89 से विशेष बातचीत के दौरान कांग्रेसी उम्मीदवार श्री नरेंद्र शास्त्री को भारी मतों से जीत दिलवाने की बात करते हुए क्या कहा, आप खुद ही सुनिए। दल दे विच कोई शक नहीं कि मैं इसे वार्ड तो जीत के म्युनिसिपल काउंसिल का प्रधान बनया सीगा। इत्थे दे लोग, इत्थे दे वोटर इस वार्ड दे खास करके क्योंकि बहुत ही एजुकेटेड वेल क्वालिफाइड बंदे ने एक दूसरे नू सही सलाह दे के वधिया लीडरशिप की चोण करते ने। जब मैं पहली बार इस वार्ड दे विच आया सी तां मैनूं उन्होंने कहा सी भी सानू यह नहीं सी उम्मीद कि तुसी म्युनिसिपल कमेटी का इलेक्शन लड़ोगे, साडियां उम्मीदां कुछ होर सी, पर तुसी आए हो, असी थानू सिर मत्थे, थानू बहुते यतन मेहनत करन दी लोड़ नहीं, असी थानू खुले दिल नाल वोटां पावांगे, सानू थोड़े वर्गे बंदे दा जो है वो भरोसा है, क्योंकि खानदानी तौर ते असी इस काम दे विच लगे हुए हैं। मेरे बुजुर्ग भी 20 साल कांग्रेस के प्रधान रहे ने, 10 साल मैं कांग्रेस का प्रधान रहा, हूँ नरेंद्र शास्त्री मेरा छोटा भरा कांग्रेस का प्रेजिडेंट जिथे है उत्थे राजपुरे की बड़े लंबे चिर तो सेवा कर रहा है और ये कोई दूजी गुंजाइश नहीं कि वह किसी किस्म की कोई कसर छड़ेगा या परिवार की बनी हुई इमेज नूं किसी किस्म का कोई वट्टा लाएगा। वो बिल्कुल खुले दिल नाल, साफ मन नाल, साफ नीति नाल काम करेगा। इस गल दे विच विश्वास रखते हुए मैं अपने छोटे भाई नूं इत्थे आशीर्वाद देने लई आए हुए सारे लोगों का बहुत तह दिलों तो धन्नवाद करदा अते उम्मीद रखदा कि इस तरह लोगों का साथ मिलता रहेगा और साडा परिवार इस लोक हित सेवा दे विच जुड़िया रहेगा। सारे काम है जिहड़े इस वार्ड विच अजे होण वाले हैं, बहुत सारिया गलियां हैं जिहड़ियां बणन वालियां हैं, बहुत सारा पहला जिहड़ा सफाई वाला सीगा प्रॉपर जिहड़ा सीगा वो अरेंजमेंट नहीं सीगा, ते इहो जे होर बहुत सारे काम ने जिहड़े शास्त्री दे प्रधान बणन नाल इस वार्ड का बहुत सुधार होया। ते की अपील करना चाहोगे वार्ड नंबर 9 दे? मैं सारे ही वार्ड नंबर 9 दे सूझवान वोटरां दा सब तो पहला तो मैं उन्हों का बहुत ही तह दिलों तो धन्यवाद करूँगा कि उन्होंने मैनू ही बहुत वधिया वोटां नाल इत्थों जिताया सीगा। हुण मैं उम्मीद करदा कि वार्ड नंबर 9 दे सारे ही सूझवान वसनीक अपने वार्ड दे हित वास्ते अते शहर दे हित वास्ते शास्त्री जी नूं इत्थों बहुत ही भारी मतां नाल जिता के भेजणगे, ताकि वार्ड दा अते राजपुरे दा समुचे तौर ते वधिया तरीके नाल अपना सरदार हरदयाल सिंह कंबोज दी अगवाई दे विच अपना विकास हो सके। वार्ड नंबर 9 शुरू तो ही कांग्रेसी वार्ड रहा है और इस वार्ड दी इह खुशनसीबी है कि इत्थे सिर्फ म्युनिसिपल कमिश्नर दा इलैक्शन दा चुनाव नहीं हो रहा, बल्कि प्रधानगी दा इलैक्शन दा चुनाव हो रहा है। जिहड़ा भी इत्थों जितेगा वह कमेटी का प्रधान बनेगा और साडा जिहड़ा वार्ड है पूरे असी जिहड़े हैं कांग्रेस दे नाल। मुहिम शुरू होने तो ही पता लगता इत्थे दा कट के लोग जिहड़े ने नरेंद्र शास्त्री जी दे नाल। ते की अपील करना चाहोगे वार्ड दे 9 नंबर वार्ड दे लोकां नूं? कि अपना सामने कैंडीडेट देख के ही अपने वोट दा अधिकार दा इस्तेमाल करन। लोगों के इत्थे शुरू तो ही ये वार्ड सियासत दा गढ़ रहा है और असी तो जिहड़ा है शुरू तो ही मुकेश ठेकेदार जी दे नाल, ठेकेदार साहब नाल, ते ओह जिहड़ा साडा पूरा वार्ड है कांग्रेस दा रहा है और असी कांग्रेस नूं समर्थन। मैं वार्ड नंबर 9 दे सारे वोटरां नूं अपने परिवार है इन्हें सारे यही अपील करांगा कि साढ़े हरमन प्यारे नेता श्री नरेंद्र शास्त्री जी जिहड़े कि अपने वार्ड री इलैक्शन के बाद खड़े हुए हैं, उन्होंने वध तो वध वोटर नाल जिता के नगर कौंसल का प्रधान बनाने। मुकेश जी, तुसी वार्ड के लोगों दी समस्यावां पहला भी सुनते रहे हो, की समस्यावां हैगियां जिहड़ी तुसी नरेंद्र शास्त्री के प्रधान बनने तो बाद हल करवाओगे वार्ड के लोगों दी? देखो समस्यावां तो पिछले 10 साल अकाली बीजेपी गठबंधन सरकार सी
ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਭ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੀ ਕਿੰਨੇ ਕੰਮ ਕਰਾਏ ਸੀ ਤਾਂ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਸੀ ਜਦੋਂ ਉਹ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਦਾ ਉਦੋਂ ਹੱਲ ਹੋਇਆ ਨਹੀਂ ਹੁਣ ਸਾਡੀ ਸਰਕਾਰ ਬਣੀ ਹੈ ਅਤੇ ਕੁਦਰਤੀ ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਪਿਛਲੇ ਪਾਰਸ਼ਦ ਸਾਹਿਬ ਸੀ ਉਹ ਵੀ ਰਿਜ਼ਾਈਨ ਕਰ ਗਏ ਸੀਗੇ ਉਸ ਵਜ੍ਹਾ ਨਾਲ ਥੋੜ੍ਹੇ ਜਿਹੇ ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਵਾਰਡ ਦੇ ਕੰਮ ਡਿਲੇ ਹੋ ਗਏ ਸੀ ਹੁਣ ਸ਼ਾਸਤਰੀ ਜੀ ਆਏ ਹੈ 10-15 ਦਿਨਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਪਣੇ ਆਪ ਅਚੀਵਮੈਂਟ ਪਤਾ ਲੱਗ ਜਾਏਗੀ ਵਾਰਡ ਦੀ ਕਿੰਨੀ ਸਮੱਸਿਆ ਕਿੰਨੀ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜੀ ਇਹ ਸਾਡੇ ਵਾਰਡ ਦੀ ਬਹੁਤ ਹੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਖੁਸ਼ਕਿਸਮਤੀ ਹੈ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਸ਼ਾਸਤਰੀ ਜੀ ਵਰਗਾ ਬੰਦਾ ਸਾਡੇ ਵਾਰਡ ਵਿੱਚ ਚੁਣਾਵ ਲੜ ਰਿਹਾ ਹੈ ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤਾਂ ਵੈਸੇ ਸਾਰਾ ਸ਼ਹਿਰ ਹੀ ਜਾਣਦਾ ਔਰ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਾਣਦੇ ਹੋ ਕਿ ਇੱਥੇ ਬੱਚਾ ਬੱਚਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਾਣਦਾ ਔਰ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਉਹ ਆਪਣੇ ਪਿਤਾ ਜੀ ਦੇ ਟਾਈਮ ਤੋਂ ਹੀ ਜਿਹੜਾ ਸਮਾਜ ਸੇਵਾ ਵਿੱਚ ਲੱਗੇ ਹੋਏ ਹਨ ਔਰ ਇਹ ਸਾਡੇ ਵਾਰਡ ਦੀ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਖੁਸ਼ਕਿਸਮਤੀ ਹੈ ਕਿ ਕੰਬੋਜ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਇੱਦਾਂ ਦਾ ਨੁਮਾਇੰਦਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਔਰ ਅਸੀਂ ਇਹ ਉਮੀਦ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਉਹ ਅੱਗੇ ਜਾ ਕੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਵੀ ਬਣਨਗੇ ਅਤੇ ਸਾਡੇ ਵਾਰਡ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਇਸ ਸਾਰੇ ਸ਼ਹਿਰ ਦੀ ਖੁਸ਼ਹਾਲੀ ਵੱਲ ਵੀ ਧਿਆਨ ਦੇਣ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਬੰਦੇ ਹੈ ਜੀ ਸ਼ਾਸਤਰੀ ਹਾਂਜੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਵੈਸੇ ਵੀ ਸੇਵਾ ਬਹੁਤ ਕੀਤੀ ਹੈ ਅੱਜ ਵੀ ਉਹ ਇਤਵਾਰ ਦੀ ਸੇਵਾ 'ਤੇ ਲੱਗੇ ਹੋਏ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਮਨ ਬਾਰੇ ਆਪਾਂ ਨਹੀਂ ਸੋਚ ਰਹੇ ਸ਼ਾਸਤਰੀ ਬਾਰੇ ਅਸੀਂ ਵੀ ਮੰਗਿਆ ਸੀ ਸ਼ਾਸਤਰੀ ਬਾਰੇ ਜੀ ਇਹ ਤਾਂ ਹੁਣ ਤੁਹਾਡੀ ਆਪਸੀ ਜਾ ਕੇ ਦੇਖਣਾ ਪੈਣਾ ਵੀ ਮਨ ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਦੋਨੋਂ ਬਾਹਰ ਸਾਰੇ ਬੰਦੇ ਬੁਲਾ ਰਹੇ ਹੋ ਉਹੀ ਦੱਸ ਰਹੇ ਅੱਜ ਤੋਂ ਚੋਣ ਮੁਹਿੰਮ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹੈ ਤੁਹਾਡਾ ਕੀ ਯੋਗਦਾਨ ਰਹੇਗਾ ਸ਼ਾਸਤਰੀ ਜੀ ਵਾਸਤੇ ਚੋਣ ਕਾਂਗਰਸ ਪਾਰਟੀ ਦਾ ਉਕਤ ਉਦਘਾਟਨ ਸਮਾਰੋਹ ਕੇ ਬਾਅਦ ਵਾਰਡ ਨੰਬਰ 9 ਸੇ ਵਾਰਡ ਨਿਵਾਸੀਓਂ ਕੋ ਸਾਥ ਲੇਕਰ ਕਾਂਗਰਸੀ ਉਮੀਦਵਾਰ ਸ਼੍ਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਸ਼ਾਸਤਰੀ ਆਪਣਾ ਨਾਮਾਂਕਨ ਪੱਤਰ ਭਰਨੇ ਕੇ ਲੀਏ ਰਾਜਪੁਰਾ ਕੇ ਮਿੰਨੀ ਸਚਿਵਾਲੇ ਪਹੁੰਚੇ ਜਹਾਂ ਨਰਿੰਦਰ ਸ਼ਾਸਤਰੀ ਜੀ ਦੁਆਰਾ ਵਿਧਾਇਕ ਸਰਦਾਰ ਹਰਦਿਆਲ ਸਿੰਘ ਕੰਬੋਜ PPCC ਸਦੱਸ ਭੁਪਿੰਦਰ ਸੈਣੀ ਸਰਦਾਰ ਨਿਰਭੈ ਸਿੰਘ ਮਿਲਟਰੀ ਬਲਾਕ ਕਾਂਗਰਸ ਪ੍ਰਧਾਨ ਦਿਹਾਤੀ ਬਲਦੇਵ ਸਿੰਘ ਗੱਦੋਮਾਜਰਾ ਉਪ ਪ੍ਰਧਾਨ ਨਗਰ ਕੌਂਸਲ ਅਮਨਦੀਪ ਸਿੰਘ ਨਾਗੀ ਪੂਰਵ ਪ੍ਰਧਾਨ ਨਗਰ ਕੌਂਸਲ ਸ਼੍ਰੀ ਰਜਿੰਦਰ ਰਾਜਾ ਪੂਰਵ ਪਾਰਸ਼ਦ ਵਾਰਡ ਨੰਬਰ 9 ਐਡਵੋਕੇਟ ਰਕੇਸ਼ ਮਹਿਤਾ ਸਹਿਤ ਕਈ ਸੀਨੀਅਰ ਕਾਂਗਰਸੀ ਨੇਤਾਓਂ ਸਹਿਤ ਤਹਿਸੀਲਦਾਰ ਰਾਜਪੁਰਾ ਸਰਦਾਰ ਹਰਸਿਮਰਨ ਸਿੰਘ ਕੇ ਪਾਸ ਪਹੁੰਚੇ ਔਰ ਆਪਣਾ ਨਾਮਾਂਕਨ ਪੱਤਰ ਦਾਖਿਲ ਕੀਆ ਇਸ ਮੌਕੇ ਪਰ News 89 ਸੇ ਬਾਤ ਕਰਤੇ ਹੋਏ ਹਲਕਾ ਵਿਧਾਇਕ ਸਰਦਾਰ ਹਰਦਿਆਲ ਸਿੰਘ ਕੰਬੋਜ ਨੇ ਸ਼੍ਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਸ਼ਾਸਤਰੀ ਕੀ ਜੀਤ ਕੋ ਯਕੀਨੀ ਬਤਾਤੇ ਹੋਏ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਾਡੇ ਕਾਂਗਰਸ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਅਫਸਰ ਉਮੀਦਵਾਰ ਹਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਨਾਮ ਮੈਂ ਬਤੌਰ ਡਿਸਟ੍ਰਿਕਟ ਕਾਂਗਰਸ ਕਮੇਟੀ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਕਾਂਗਰਸ ਕਮੇਟੀ ਨੂੰ ਰਿਕਮੈਂਡ ਕਰਕੇ ਭੇਜਿਆ ਹੈ ਕੰਨਿਆਂ ਦਾ ਨਾਮ ਹੈ ਅਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜੋ ਵਾਰਡ ਨੰਬਰ 9 ਤੋਂ ਬਾਈ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਹੈ ਉਹਦੇ ਤੋਂ ਕਾਂਗਰਸ ਪਾਰਟੀ ਨੇ ਉਮੀਦਵਾਰ ਬਣਾਇਆ ਹੈ ਅੱਜ ਦਫ਼ਤਰ ਖੋਲ੍ਹਿਆ ਗਿਆ ਹੈ ਸਾਡੇ ਬਜ਼ੁਰਗ ਸ੍ਰੀ ਗੋਬਿੰਦ ਰਾਮ ਜੀ ਸਾਹਿਬ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਹ ਉਦਘਾਟਨ ਕੀਤਾ ਹੈ ਸਾਨੂੰ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਆਸ਼ੀਰਵਾਦ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਵੱਡੇ ਹਨ ਸਾਡੇ ਜੋ ਇਹ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹਵਨ ਕਰਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦਾ ਨਾਮ ਲਿਆ ਹੈ ਸੋ ਅੱਜ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹ ਵਾਰਡ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਕੈਂਪੇਨ ਆ ਉਹ ਜਾਰੀ ਰਹੇਗੀ ਸਾਰੇ ਵਰਕਰ ਮਿਲ ਕੇ ਘਰ ਘਰ ਜਾ ਕੇ ਬਹੁਤ ਪੀਸਫੁਲੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਇਹ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਆ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਕਰਵਾਈ ਜਾਏਗੀ ਸ਼ਾਂਤੀਪੂਰਵਕ ਅਤੇ ਮੈਨੂੰ ਪੂਰਨ ਉਮੀਦ ਹੈ ਕਿ ਵਾਰਡ ਨਿਵਾਸੀ ਨਰਿੰਦਰ ਸ਼ਾਸਤਰੀ ਜੋ ਸਭ ਤੋਂ ਵਧੀਆ ਉਮੀਦਵਾਰ ਹਨ ਇੱਥੋਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉੱਥੋਂ ਚੁਣ ਕੇ ਭੇਜਣਗੇ ਇਕੱਲਾ ਮੈਂ ਇਹ ਜ਼ਰੂਰ ਕਹਾਂਗਾ ਹਾਲਾਂਕਿ ਫੈਸਲਾ ਕਾਂਗਰਸ ਹਾਈ ਕਮਾਂਡ ਨੇ ਕਰਨਾ ਹੈ ਪਰ ਮੈਂ ਇਹ ਕਹਿ ਸਕਦਾ ਕਿ ਇਹ ਇਕੱਲਾ MC ਨਹੀਂ ਬਣਾ ਰਹੇ ਸਗੋਂ ਸ਼ਹਿਰ ਦਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਮਿਊਂਸੀਪਲ ਕੌਂਸਲ ਦਾ ਉਹ ਬਣਾ ਰਹੇ ਆ ਨਰਿੰਦਰ ਸ਼ਾਸਤਰੀ ਨੂੰ ਅਤੇ ਮੇਰੀ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਅਪੀਲ ਆ ਇਸ ਗੱਲ ਦੇ ਲਈ ਕਿ ਸਾਰੇ ਜਣੇ ਤਕੜੇ ਹੋ ਕੇ ਜਿਹੜਾ ਆਪਾਂ ਉਹ ਨਰਿੰਦਰ ਸ਼ਾਸਤਰੀ ਜੀ ਨੂੰ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਵੋਟ ਆ ਉਹ ਪਾਉਣ ਇਹ ਮੇਰੀ ਪੂਰੇ ਵਾਰਡ ਨਿਵਾਸੀਆਂ ਨੂੰ ਅਪੀਲ ਹੈ ਇਹ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵਿਕਾਸ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਯੁੱਗ ਹੈ ਉਹ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਏਗਾ ਰਾਜਪੁਰੇ ਦੇ ਅੰਦਰ ਜੋ ਪਿਛਲੇ 10 ਸਾਲਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਬਹੁਤ ਭਾਰੀ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋਇਆ ਇਸ ਸ਼ਹਿਰ ਦਾ ਤਾਂ ਉਸ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਠੀਕ ਕਰਨ 'ਚ ਲੱਗੇ ਹਾਂ ਅਤੇ ਕੁਝ ਦਿਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੀ ਮਹਾਰਾਣੀ ਪਰਨੀਤ ਕੌਰ ਜੀ ਰਾਜਪੁਰਾ ਵਿਖੇ ਆ ਰਹੇ ਆ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਬਹੁਤ ਵੱਡੇ ਵਿਕਾਸ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਕੰਮਾਂ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਆ ਅਨਾਜ ਮੰਡੀ ਤੋਂ ਜਿਹੜੀ ਕਰਨੀ ਆ ਤਾਂ ਇਹ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆ ਕੋਡ ਆਫ ਕੰਡਕਟ ਆ ਸ਼ਹਿਰ ਦਾ ਵਿੱਚ ਲੱਗਿਆ ਹੋਇਆ ਮੈਂ ਹਾਲੇ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਕਹਿਣਾ ਅਤੇ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਵੇਖੋਗੇ ਕਿ ਅਪ੍ਰੈਲ ਤੱਕ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕਿੰਨੇ ਜਿਹੜੇ ਵਿਕਾਸ ਦੇ ਕੰਮ ਆ ਉਹ ਨਰਿੰਦਰ ਸ਼ਾਸਤਰੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਤੇ ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਮੀਤ ਪ੍ਰਧਾਨ ਹਨ ਸ਼ਹਿਰ ਦੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਅਮਨਦੀਪ ਨਾਗੀ ਜੋ ਸਾਡਾ ਮੀਤ ਪ੍ਰਧਾਨ ਹੈ ਦੋਵੇਂ ਮਿਲ ਕੇ ਜਿਹੜੀ ਟੀਮ ਹੈ ਬਹੁਤ ਵੱਡੇ ਜਿਹੜੇ ਵਿਕਾਸ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਕੰਮ
के शहर के जड़े है वो कराएंगे। दहे का प्रबंध भी असी कर लिया, सारा कुछ हो गया। मैनू पता है कि शहर निवासियां ये महसूस करते होंगे कि पिछले 8-10 वर्षों के विच सैड डिवेलपमेंट घट हुई है। उसका कारण यह कि म्यूनसिपल कौंसल साढ़े कब्जे के नहीं सी, डिवेलपमेंट के जोड़े काम म्यूनसिपल कौंसल ने कराने हैं। मैं यकीन दवाना है शहर निवासियों पूरे इलाका निवासियों कि अप्रैल तो तुम ये देखोगे हर रस्ते के उत्ते जी इट लगती नज़र आएगी और पूरा जोड़ा विकास है वो चाहे पिंड शहर का चाहे दूर का बहुत बड़े पैमाने पर होएगा। सो मैं अज नरेंद्र शास्त्री जी पूरे परिवार को इस गल के लिए बधाई देना कि कांग्रेस पार्टी ने इन्हों साडे कैंप के उत्तों जोड़ा उम्मीदवार आ वो बनाया है। सो मैं जिते इन्हों बधाई देना उत्तर दोबारा वार्ड निवासियों मेरी अपील है कि ऐसा वधिया उम्मीदवार शायद ही थोड़ा कोई पहला मिलया हो चुन के भेजोगे तो वार्ड का तो करेगा ही करेगा, पूरे शहर का ही जो बहुत बड़ा विकास है नरेंद्र शास्त्री करेगा बहुत बहुत। इस मौके पर वार्ड नंबर 9 से कांग्रेस की टिकट से चुनाव लड़ रहे उम्मीदवार श्री नरेंद्र शास्त्री ने न्यूज 89 के माध्यम से वार्ड निवासियों को विश्वास दिलाया कि उनकी जीत के बाद उक्त वार्ड ही नहीं बल्कि पूरे राजपुरा में विकास कार्य युद्ध स्तर पर किए जाएंगे। आइए क्या कहा श्री नरेंद्र शास्त्री ने आपको सुनाते हैं। अज असी जो पहला पड़ाव हैगा चोन की शुरुआत करन दा उस कागज भर के पूरा किया है, अपने साथियों समेत जो मैं कागज दाखिल किए हैं तो हूँ बड़ी तेजी असं अपना अपनी चोन मुहिम जो शुरू करा। वार्ड वासियों कोई अपील जी? वार्ड वासी देखो जी बहुत समझदार लोग ने, वार्ड के पढ़े लिखे लोग ने और उन्होंने मेरे ख्याल समझाना जरा ज़्यादा सानू जोर नहीं लाना पैदा क्योंकि उन्होंने पता है कि पिछले समय दौरान जो 10 साल नगर कौंसल भ्रष्टाचार होया, नगर कौंसल जी बेनीमियां हुई, कोई सिस्टम नहीं सी, किसी कर्मचारी की कोई ड्यूटी नहीं सी, कोई किसी का अंडर नहीं, सारे शहर के लोगों इस बार तो अच्छे रिजल्ट आएंगे। कांग्रेस पार्टी की जीत होगी, मेरी जीत होगी, साढ़े MLA साहब जीत होगी। तो असी कमेटी मैं तो जी बहुत समझदार ने वकील ने, इन्हों को कहने की लड़ नहीं है, ठीक है जी। इन्होंने जो फैसला लिया इन्होंने खुद देखा भी कमेटी के जो सिस्टम बिगड़ चुका है। मैं समझता कि इन्होंने एक शहर नाल एक वधिया जो प्यार वाली गल की है क्योंकि इन्हों पता कि MLA साहब का जो ध्यान है वो मैं नगर कौंसल जो अगर करना है तो इन्होंने खुद कहा कि जे ये शहर का भी सुधार हो सकता, ठीक है। तो मैं मैनू कोई फर्क नहीं, मैं मैं सेवा वास्ते ही बने पहले MC, ठीक है नी। जे वो बैटर सेवा मेरे शास्त्री कर सकते खड़ के तो मेरी था यार नहीं कोई गल नहीं। हूँ भी वार्ड के काम जोड़े है मैं तो यही मैं तो जी बाहर हो गए, मैं तो जी करूँगे सारे वार्ड काम, मेरे बिल्कुल राइट हैंड सहयोगी बन गए, मेरे बड़े भरा बन के नाल जो काम करे सारे ठीक है। राजपुरा से कैमरामैन ललित कुमार के साथ मीडिया पर्सन संदीप चौधरी, दिनेश सचदेवा, न्यूज 89। सब्सक्राइब करें न्यूज 89 चैनल को और बेल आइकन दबाना ना भूलें सबसे तेज सबसे पहले खबरें देखने के लिए। धन्यवाद।